दोस्तों, ये हमारा दुकान चैनल का 14वां डे है और हम बताने वाले आपको बहुत सारा सामान जो कि मैंने कल खरीदा था और मैंने अब तक की जो लिस्ट है ना उसमें सबसे ज्यादा सामान कल खरीदा है तो उसका मैं बता दूं। जो जो सामान लाया था आप देखो भाई, इन कट्टों में तो चारा भरा है, वो अंदर रखा है। हमने जो कल सामान खरीदा था वो मैं दिखाता हूँ आपको। कल मैंने अलग अलग सामान भी खरीदा, देख सकते हो मैंने दो कट्टे ला दिए यहाँ पे, इसके अंदर भी सामान भरा है और इसके अंदर भी भरा। इसे कट्टे खाली करते हैं और सामान दिखाते हैं। ये पहला ठेला हमारा खाली हो गया, इसमें तो कुरकुरे हैं, इनको जाने देते हैं, नहीं एक सामान भी खेर देंगे। जो मैं कल सामान लाया था ना उनमें से एक कट्टे में से इतना सामान निकला है, बस ये लड़िया है ना इनको यहाँ पे टाकना, तो यहाँ पे टाक देता हूँ। फिर इतना सामान था पूरा जमा दिया यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ थोड़ी देर। देखो ये रही यहाँ पे पास्ता की लड़ी और यहाँ पे रही कटोरी की लड़ी और यहाँ पे ये बूंदी भी थी, बूंदी की लड़ी ये थी। इसको खाली करते हैं, खाली कर दो। इसमें से कुरकुरे की लड़ी है ना ये साइड में कर दे, चिप्स की लड़ी है, टेढ़ा मेढ़ा की लड़ी। अब इन सामान को देख, बबुल कोलगेट, ये मैगी मसाला, नमकीन के पैकेट, नीम का साबुन, बिस्किट का पैकेट, ये विम साबुन, रही मैगी, सामान ये रहा और बाकी का ये रहा। पूरे सामान को जमा देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे हमारे हिसाब कितने का सामान हमने खरीदा था। पहले हिसाब जोड़ते हैं, हिसाब जोड़ने से पहले सामान को जमा देते हैं। तो मैंने पूरा सामान पूरी तरीके से जमा दिया है, ये देखो आप, यहाँ पे मैंने पूरा सामान ये लगा दिया, ये लगे हुए और इधर ही साबुन था ना वो यहाँ पे लगा दिया, ये लग रहा साबुन। ये रही हमारी हिसाब की कॉपी, ये पर्चिया वगैरह अब सब लिखते हैं इसके अंदर और आपको बता देते हैं सारा कुछ। ये हमारा 30 डेज चैलेंज लिखा हुआ था, काफी दिन हो गए दिखाए, तो मैं देखता हूँ ये पेज भी दिखा दे। आज ये 14 दिन हो चुका है तो यहाँ पे 14 नोट कर देते हैं। 6 तारीख हो चुकी है, शुक्रवार हो चुका है। दुकान के हिसाब में जो हम दूध लाते हैं ना बाहर से, ये दूध के हिसाब में थोड़ा 500 रुपए का दूध और 80 रुपए की छाछ खरीदी थी, तो हमें 580 का आ गया, हमारा अभी तक का बड़ा रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे 580 का एक दिन में दूध छाछ। कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से हमारे ना 80 रुपए का चारा बकरी के लिए आ रहा है, तो उसको अन्य में रिकॉर्ड कर 75 रुपए हमारे दूध के खर्च हुए जो, और प्लस में हम लिखेंगे 50 रुपए, 50 की मैंने सब्जी खरीदी। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दो पर्चे है, दो पर्चियों में अलग अलग दुकान से सामान खरीदा गया है, एक तो दिन में खरीदा था हमने और एक रात में खरीदा था, तो दोनों का हिसाब बताओ। तो अभी मैंने देख लिया इन दोनों पर्चियों का मिला के 1668 रुपए का सामान हो रहा है, तो 1668 रुपए नोट करते हैं हम यहाँ पे। 1668 रुपए का हमारा सामान आया, सामान लेने गया था तब 1000 रुपए लेके गया था ओनली, और आप देख रहे हो भाई 1000 रुपए लेके गए, 1600 का सामान कैसे आ गया, तो इसलिए आ गया क्योंकि ये 800 का सामान है ना दिन में आ गया था, और शाम को जब मैं लेने गया था तब 1000 रुपए लेके गया था और 800 रुपए का सामान लाया था। तो मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए गुड बाय, मतलब मिलेंगे अपन डे मतलब 15 डे में, तब तक के लिए गुड बाय।